शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी किताबों को ये किसने किया? हमारी किताब कैसे देंगे? हम क्या करेंगे? हमारी किताब, हमारी किताब। शमनी, शमनी, ये सब कैसे हो गया? शमनी, ये किताबें, रोहन, ये देखो ये सब किसने किया? रोहन, ये हमारा कल एग्जाम, हम एग्जाम कैसे देंगे? शमनी, ये तो वही सिलेबस वाली किताबें, इनका ये हाल कैसे हो गया? देखिए ना, ये शमनी की यूनिवर्सिटी की सिलेबस की किताबें थी। हे भगवान, ये कैसे हो गया? पता नहीं इन किताबों का ये हाल कैसे हो गया। हम जब बाहर गए थे तब तक तो बिल्कुल ठीक थी। वो पलंग के कोने में भी कुछ पन्ने पड़े। चुप हो जा बेटा, खिड़की खुली है। हमें लगता है ये सब चूहों का काम है। चूहों ने कतरी होगी किताबें। जाने कहां से इतने सारे चूहे आ गए। चूहे को पता था कि यही श्रवणी की किताब है। थर्सडे को एग्जाम है ना शमनी, और बुक्स ही नहीं होंगी तो एग्जाम की तैयारियां कैसे करोगी? काट तो दिया, पर पता चल गया तो लगना चाहिए चूहों ने काटा है। उसका इलाज है ये। हमें छोड़ के यूएस जाने की तैयारी कर रही थी ना शमनी, तो ये लो तुम्हारी यूएस की टिकट।
फसल कटाई का समय है ना अम्मा, चूहों ने ही काटा होगा। अभी दो तीन दिन पहले रसोई में भी बहुत तबाही की है। शवनी, कल एग्जाम है, तैयारी कैसे करोगी? चिंता मत करो, हम देखते हैं कुछ दूसरी किताबों का इंतजाम करते हैं। पर एक दिन में कैसे करोगे? हाँ, वो भी है। एग्जाम, एग्जाम। शमनी, शमनी कहाँ जा रही हो? शमनी, शमनी कहाँ जा रही हो? कहीं दोबारा कहीं से इंतजाम ना कर ले। आओ शिवांश। स्वीटी, हमको नाम तो बताओ जिससे हम मिलने आए हैं। हाँ शिवांश, हम बताते हैं, लेकिन तुम वादा करो, तुम भड़कोगे नहीं। वादा करो। बताओ। हेलो शिवांश, ये अर्पित है। स्वीटी ने जिस बच्चे को खो दिया, उस बच्चे का असली पिता ये है। आओ शिवांश, मिलवाते हैं। सॉरी, हमारी पहले ठीक से मुलाकात नहीं हो पाई, आज ढंग से मिल लेते। बैठो, अब उसी पे बैठो ना। वैसे स्वीटी ने हमारे बारे में बताया होगा तुम्हें, और नहीं बताया हो तो हम बता देते। दुबई में बहुत बड़ा बिजनेस है हमारा। अब स्वीटी ने बड़ी रिक्वेस्ट की तो हमें आना पड़ा। हमने कहा चलो मिल लेते हैं। अब स्वीटी की बात हम टाल तो नहीं सकते ना। भाई, स्वीटी को लगता है कि तुम्हारे पास कोई जबरदस्त स्कीम है और तुम्हारे साथ काम करके हम रातों रात करोड़पति बन सकते हैं। भाई, हम भी जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी स्कीम है तुम्हारे पास। गोल्ड बॉन्ड बेचने का काम है हमारा। 1 लाख का बॉन्ड जो आज खरीदेगा, 5 साल बाद उसे 5 लाख का सोना मिलेगा। शिवांश, सुना तुमने? 5 लाख का सोना मिलेगा। भाई, ऐसा कौन सा तुम्हारे पास पारस का पत्थर है जिससे तुम पत्थर को सोना बनाओगे? देखो, हर औरत को सोना खरीदने का शौक होता है, तो खुद जाओ उनके घरों, उनका भरोसा जीतो और हमारा बॉन्ड बेचो। 1 लाख का बॉन्ड बेचने पर तुम्हें 50,000 का कमीशन मिलेगा। शिवांश, क्या बोल रहा है ये? 50,000 का कमीशन मिलेगा? 50,000? कितना कमीशन? भाई, इतना कमीशन तो काले धंधे में दिया जाता है। देखो, कमजोर जिगर वालों के लिए बिजनेस नहीं है ये। ऐसी हर बात पर घबराओगे तो जिंदगी भर झूठी टेबलें साफ करते रह जाओगे। शिवांश, तुम अर्पित पर भरोसा कर सकते हो। हम पहले भी एक बार धोखा खा चुके हैं रोहन के हाथों, इस बार हम सोच के बताएंगे। पर बात सिर्फ हमारे भरोसे की नहीं है, जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे उनके भरोसे की है। अगर उनका पैसा वापस ना मिला तो? अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खुद क्या खाएगा? इसका मतलब जो लोग इसमें पैसा लगाएंगे उन्हीं का पैसा खाया जाएगा। अरे यार स्वीटी, समझाओ अपने पति को, करना है तो करे, नहीं तो जाए अपने रास्ते। बस इतना ही कहना चाहती कि आप उसके दोस्त को मिल लीजिए, क्या पता वाकई काम का कोई अच्छा मौका हो। ठीक है, तुम बाकी की बिजनेस डिटेल हमको फोन पर भेज दो, हम बताएंगे सोच के। चलते हैं।
कैंटीन के लिए देर हो रही है, अगर वहाँ काम छोड़ेंगे तो पहले बताना पड़ेगा। अरे कैंटीन का काम क्यों छोड़ोगे, तुम दोनों काम कर सकते हो साथ। अरे असली कस्टमर तो वही है, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर साथ हैं, उन्हें बेचो हमारा बॉन्ड। बताएंगे सोच के, चलो स्वीटी। शिवांश अगर तुम परमिशन दो तो हम एक कॉफी पीकर घर चले जाएंगे। ठीक है। अर्पित शिवांश को हम मना लेंगे, बिजनेस शुरू हो जाएगा ना। अरे स्वीटी वो सब तुम हम पे छोड़ दो, सब हम संभाल लेंगे। ये बताओ तुम कॉफी कौन सी पियोगी। जो तुम पिलाओगे। अच्छा बेटा मैम, वो जो बुक आपने हमें दी थी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, क्या वो हमें दोबारा मिल सकती है प्लीज मैम? नहीं शमी, अगर होती तो जरूर दे देते, अब ऑर्डर भी करेंगे तो दो हफ्ते के पहले तो नहीं आएंगे। दो हफ्ते मैम कोई तरीका नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता क्या? अब तो उनका यूएस का ऑफिस भी बंद हो गया होगा। हाँ मतलब अभी हम उनको एक रिक्वेस्ट मेल डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी होगा वो कल ही होगा, और तुम्हारा एग्जाम भी तो कल है। श्रवणी बहुत अच्छा मौका था तुम्हारे लिए, ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी श्रवणी, आई कांट हेल्प यू। आप देखना हमारी श्रावणी है ना, एक बड़ी डॉक्टर बनकर वापस लौटेंगी। इस कॉलेज को और हमको तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, इस कॉलेज का नाम जरूर रोशन करना। आलमंड स्मूदी, इसको पी के ना आपका दिमाग है ना तोड़ेगा, फिर देखना आप बाकी स्टूडेंट को तो आप वही पछाड़ देंगे एग्जाम में। हम आपके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हर हाल में आपका साथ देंगे, आप ये परीक्षा दीजिए, इसे मत छोड़िए। श्रावणी बहुत अच्छा मौका था तुम्हारे लिए, ऐसे मौके बहुत कम लोगों को मिलते हैं। शमी, शमी क्या हुआ? शमी आप रो क्यों रही हैं? शमी किसी ने कुछ कहा आपसे? शमी हमको बताइए। हमारी किताबें। हाँ किताबें, क्या हुआ किताबों को? हम जब घर गए तुम हमारी किताबें फटी हुई थी। क्या फटी हुई थी? शिवांश उन किताबों को चोरने कुछ जल्दी हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम क्या करें शिवांश? कल हमारा एग्जाम है शिवांश, हम क्या करेंगे? ये अपॉर्चुनिटी खो दी शिवांश, क्या करें? कुछ समझ नहीं आ रहा। श्रावणी माना डॉक्टर बनने का सपना सब खत्म हो गया शिवांश। शमी सब ठीक हो जाएगा, हम डीन मैम से दूसरी किताब ले लेंगे ना, चलो हमारे साथ। कोई फायदा नहीं शिवानी, हम अभी डीन मैम के कमरे से आ रहे हैं, हम खुद गए थे उनसे बात करने की हमें दूसरी किताब मिल सकती है क्या। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये किताब खास करके हमारे लिए मंगवाई थी, जिसको आने में दो हफ्ते लगते हैं शिवाज। शमी आप चिंता मत कीजिए, हम किताबों का इंतजाम कहीं और से कर देंगे, इस पर कौन सी बड़ी बात है। फायदा नहीं है जुबान,
हमने बाहर भी ढूंढ लिया जवान, जब कहीं नहीं मिल रही है किताब। हम तो पहले ही समझ गए थे ये तुम्हारा काम है। हम तो ऐसे ही बदनाम है रोहन बाबू। असली जहर तो तुम हो। प्यार और दोस्ती के नाम पर क्या डसे हो। शर्मी का भविष्य बर्बाद करने के लिए का चाल चली है तुमने। लेकिन उसे बचपन से जानते हैं, कोई ना कोई रास्ता तो वो निकाल ही लेगी। जानते हैं, वो किताबों का इंतजाम जरूर करेगी और हमें उसका भविष्य बर्बाद नहीं करना, सिर्फ उसे बाहर जाने से रोकना है। इसीलिए आपके पास आए हैं। कुछ भी ऐसा कीजिए कि कल वो एग्जाम देने ना जा पाए। ऐसी गलतफहमी तो हमारे दुश्मनों को भी ना, हम बहुत बार कर चुके हैं। ये तुम्हारे पाए हाथ का खेल, हो जाएगा तुम्हारा काम, निश्चिंत रहो। शवनी, हमारी बात सुनिए, संभालिए अपने आप को। शर्ते कुछ नहीं होगा, हम हैं ना आपके साथ, हम सब ठीक कर देंगे। शवनी, शवनी संभालो अपने आप को। आप बैठिए, आइए आप बैठिए। ये लीजिए पानी पीजिए। शवनी, हमारी बात सुनिए। शवनी, शवनी हमारी बात सुनिए आप। देखिए, हमने अपनी जिंदगी में ना ज्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन हमने अपने जीवन में ना क्रिकेट बहुत अच्छे से खेला। और जब हमारे हाथ में बल्ला होता है ना, सामने गेंदबाज कितना भी धुरंधर हो, हमें बस गेंद दिखती है और भरोसा अपने बल्ले पर। पूरी दुनिया में ना क्रिकेट का नियम एक ही है सबके लिए, चाहे खिलाड़ी कहीं से भी हो। वैसे ही आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई के नियम भी एक जैसे ही। आप बस अपनी पढ़ाई के पक्के रहो। आपको जवाब पता होना चाहिए, सवाल चाहे जैसा भी हो, कहीं से भी हो। अगर आपको जवाब पता है ना, तो आप किसी सवाल से नहीं डरेंगे, भले चाहे सवाल कितना भी मुश्किल हो। आप समझ रही है ना हम क्या कहना चाह रहे हैं। और देखिए, कल शिवरात्रि है, भोले बाबा का नाम लेके ना आप परीक्षा दे दीजिए। हम जानते हैं नतीजा जो भी होगा ना बहुत अच्छा होगा। कैसे अच्छा होगा शिवांश, कैसे अच्छा होगा? हमारे एग्जाम ऑनलाइन है, सब कुछ लाइव होगा शिवांश। इतने बड़े बड़े प्रोफेसर होंगे हमारे सामने, हम उनके सामने जवाब कैसे दे पाएंगे? जितनी तैयारी की उतनी काफी नहीं है शिवांश, हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, हम नहीं कर पाएंगे शिवांश जी। श्रवणी, आप कर लेंगे, हमें यकीन है आपके ऊपर, आप कर लेंगे। नहीं शिवांश, हमसे नहीं होगा ये, हम नहीं कर पाएंगे। श्रवणी, श्रवणी, मैं यकीन नहीं होता, ये वही श्रवणी है जो अपनों के लिए तूफान से लड़ जाती है। आज वही श्रवणी अपने लिए नहीं खड़ी हो पा रही। माता रानी, अब तो आप इसकी हिम्मत बन सकती है। सिर्फ आप ही है जो इसको इसकी ताकत का एहसास दिला सकती। को
कि क्या हो रहा है, मैं क्या हो रहा है, मैं सब कुछ धुंधला क्यों दिखाई दे रहा है, क्या हो रहा है? हमें खुद दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारा हमारा फोन, हमारा फोन कहाँ गया? हमारा फोन कुछ कोई कोई है, कोई है क्या? हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। सॉरी वो मैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कोई है, हमारी मदद करो। हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हमारी मदद कीजिए, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दीदी हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तुम हमारी मदद कर दोगी प्लीज? हमें रस्सी के किनारे छोड़ दोगी? हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चलो हम आपको किनारे पर छोड़ देते हैं। ले चलो प्लीज। कहाँ गई तुम कहाँ चली गई? सुनो दिखता नहीं क्या? ये तो श्रावणी का फोन है। बस श्रावणी का है। श्रावणी चुवाड़ श्रावणी क्या हुआ आपको? आप ठीक है ना? आपकी अपनी श्रावणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।